न्यूज में खुशी आपका स्वागत करती थी न्यूज टॉक चैनल में। 12 घंटे से माँ से बात नहीं हो पा रही थी तो एक शख्स ने ट्वीट कर दिया कि माँ से बात नहीं हो पा रही है, तो इंडियन रेलवे ने उसका जवाब दिया और क्या मदद की, तो चलिए जानते हैं आज की न्यूज में। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये बात हमारे सामने अजमेर एक्सप्रेस से आ रही है, जहां पर 12 घंटे लेट थी अजमेर एक्सप्रेस और उसमें एक लेडी बैठी थी, मतलब कि एक माँ बैठी थी वहां पर, तो बहुत सारी माएं बैठी होंगी, पर एक दूर बैठा एक लड़का जो कि उनका लड़का है शाश्वत, वो काफी ज्यादा चिंता में था क्योंकि उनकी माँ तब तक पहुंच नहीं पाई थी और 12 घंटे लेट चल रही थी और इसी के चलते हुए उनकी बातचीत भी नहीं हो रही थी माँ से कि माँ ठीक है या नहीं ठीक है। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया का एक रास्ता अपनाया, उन्होंने इंडियन रेलवे को एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट किया जो कि सब जगह पर ये फैल गया है और उसके बाद वहां पर रेल मंत्री को बड़े बड़े अधिकारियों को उसने टैग कर दिया। टैग करने के बाद तुरंत ही आंसर आया इंडियन रेलवे से, उन्होंने बोला कि वो अपनी माँ का नाम और अपने माँ कहां से कहां तक वो सफर कर रही हैं वो बताएं। तो उन्होंने अपनी माँ का नाम बताया और उन्होंने बताया कि अजमेर एक्सप्रेस में वो सफर कर रही हैं और शीला पांडे करके उनका नाम है, S5 में वो सफर कर रही हैं पर 12 घंटे लेटर और उनकी माँ का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कुछ बात नहीं हो पा रही, फोन नहीं लग पा रहा, कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या आप कृपया मेरी माँ से बात करवा पाएंगे। तो उन्होंने पूरा उनको डिटेल दी रेल अधिकारियों को, ट्विटर के थ्रू बात हो रही थी और जो कि पूरे पेज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और उसी के चलते हुए थोड़ी देर के बाद इंडियन रेलवे से फिर एक ट्वीट आया, उन्होंने ये चीज बोला शाश्वत को कि हमने ये इन्फॉर्मेशन वहां पर पहुंचा दी है, जल्द से जल्द हमारे हाथ में जो भी हुआ हम आपकी आपके माँ से बात करवाएंगे। तो वैसे ही हुआ, इतनी फास्ट उन्होंने एक्शन लिया कि उनकी माँ से शाश्वत की बात करवाई गई, जहां पर शाश्वत को थोड़ा भरोसा हुआ कि उनकी माँ एकदम ठीक है। उसके बाद शाश्वत ने फिर दोबारा से ट्वीट किया और धन्यवाद किया रेलवे अधिकारियों को, सब अधिकारियों को, कि इतनी फास्ट सर्विस, इतनी आपने फास्ट सर्विस दी है, मेरी माँ से मेरी बात करवा दी, मैं बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और उसी के साथ रेलवे, जो इंडियन रेलवे है, उन्होंने रिपीट, उन्होंने एक और मैसेज उसको वापस रिट्वीट किया, फिर दोबारा से बोला कि हमारा काम है कि लोगों को लोगों से मिलाना, अपनों को अपनों से मिलाना और हम यही काम कर रहे हैं और हम खुश हैं कि आपकी माँ से आपकी बात हुई है। मतलब ये चीज देख के सोशल मीडिया पे धमाका मच गया, जो रेलवे अधिकारी हैं, जो रेल कंपनी ने, ट्रांसपोर्ट ने जो काम किया है, एक बेटे को अपनी माँ से मिलाया है, जो बात करवाई है, बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सल्यूट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ऐसे अधिकारी, ऐसी रेल कंपनीज हमारे यहाँ पर हैं, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। सच बात है, जो उन्होंने काम किया उनको सल्यूट करना तो बनता ही है। अगर आपको भी ये बात जान के अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।